नमस्कार दोस्तों, रॉयल इंडिया में आप सभी लोगों को आज दुखद स्वागत करता हूँ। यह दुखद शब्द का इस्तेमाल आज मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज हमारे भारत देश में दलित सुरक्षित नहीं है। दलितों पर हो रहे इस अत्याचार को आज सदियों से दोहराया जा रहा है। हमारे घर के न बहन सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है। कभी मंदिर में जाने से रोका जाता है, तो कभी चारपाई पे बैठे लोगों को उठाकर पीटा जाता है, तो कभी बिहार में थूक तक चटवाया जाता है। और इससे भी मनुवादियों को जब मन नहीं बढ़ता है तो वो दलितों के बेटी को उठा करके यह कहते हैं कि जाओ, हम तुमको 2 दिन के बाद लौटा देंगे। दोस्तों, हमारे भारत जैसे देश में सबसे बड़ा जुर्म है लड़की जन्म लेना, और उससे भी बड़ा जुर्म है गरीब परिवार में जन्म लेना, और सबसे बड़ा जुर्म है दलित परिवार में जन्म लेना। क्योंकि इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े से भी बदतर की जिंदगी जीना पड़ता है। कभी रेप जैसे घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कभी मारपीट कर थूक तक चटवाया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे दलित परिवार में बेटी किसी वस्तु से तुलना की जाएगी जो कुछ दबंगों द्वारा उठा के ले जाया जाता है? और जब परिवार के मांग होता है कि मेरी बेटी लापता है, हो सकता है कि मेरी बेटी को तुमने उठा के लाया होगा, तो दबंगों द्वारा कहा जाता है कि जाओ, तो हम तुमको 2 दिन के बाद तुम्हारी बेटी को घर वापस भेज देंगे। यह कितना शर्मनाक घटना है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे दलितों को आज से नहीं, बरसों से उनके साथ हो रहे शोषित और अत्याचार पर आज अगर आवाज नहीं उठाए तो कभी नहीं आवाज उठा पाओगे। और यह मनुवादी किस्म के लोग तुमको, आपको और सभी दलित परिवार को ऐसा दबाने का काम करेंगे कि आप लोग कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए आज समय है इसके खिलाफ आवाज उठाने की, आज हो रहे भारत में दलितों के साथ अत्याचार पे आवाज उठाने की। ग्राम बिजरौली, थाना तिसियौता, जिला वैशाली, बिहार की यह घटना है। एक लड़की दलित परिवार से आती है, उसका नाम किरण राम है। किरण राम को उसके घर से कुछ दबंगों द्वारा उठा कर ले जाया जाता है और कुछ दिनों तक सामूहिक बलात्कार करके यह कहा जाता है कि जाओ, तुम्हारी बेटी को हम 2 दिन के बाद लौटा देंगे। और इतना ही नहीं, उसके साथ लगातार दुष्ट कर्म होते रहते हैं। और इतना जब मन नहीं भरता है दबंगों को, तो गांव के ही एक पोखर में मार करके फेंक दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां का यह न्याय व्यवस्था है? क्या यही हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती है? जो कहने को तो दलित हम लोगों को हिंदू में शामिल कर लेते हैं, लेकिन हिंदू में शामिल करने के बाद भी हम लोगों को अछूत समझा जाता है। समाज में हम लोगों को वह दर्जा नहीं दिया जाता है जो और हिंदू को दिया जाता है। सिर्फ वोट के नाम पर हम लोगों को हिंदू ठहराया जाता है, और बाद में जब हम लोग अपने ही घर पर एक चारपाई पे बैठे हुए रहते हैं तो दबंगों द्वारा हम लोगों को चारपाई से उठा करके और पीटा जाता है। मंदिर में जाने से भी रोक दिया जाता है, यहाँ तक कि थूक तक चटवाया जाता है। हमारी बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है, इसलिए आज समय है इस पर आवाज उठाने की। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक ही विनती है कि किरण राम के लिए आप लोग अपना आवाज जरूर उठाए, क्योंकि आज दबंगों का शिकार बनी है किरण राम। हो सकता है कल हमारे घर की बहन बेटी भी उसका शिकार हो। इसलिए मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से एक ही मांग करता हूँ कि हम लोगों को एक सुरक्षा दिया जाए और किरण राम के आरोपी को जल्द से जल्द SPD ट्रायल के तहत फांसी की सजा हो। दोस्तों, हमारे भारत जैसे देश में जब एक दलित राष्ट्रपति को मंदिर से जाने से रोक दिया जाता है, तो हम लोग तो आम इंसान हैं, सोचो हम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज समय है इस पर आवाज़ उठाने की। आप सभी दलितों से मेरा एक ही विनती है कि इस पर आवाज़ उठाएं, नहीं तो आज किरण राम इसका शिकार हुए हैं, कल हमारे घर के बेटी और बहन भी हो सकती है। इसलिए इस पर आवाज़ उठाइए और अपना सहयोग दीजिए इसमें, क्योंकि किरण राम के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।